ए बी सी डी रोमबस में रोमबस का प्रोडक्ट ऑफ दिस टू डायगोनल्स इट मीन डी वन एंड टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू डायगोनल्स डिवाइड बाई टू इसको बोलते हैं एरिया ऑफ रोमबस वन प्रॉब्लम देखते हैं length of a diagonals of a rhombus are 11.2 centimeter and 7.5 centimeter respectively. Okay, d1 minus d1, 11.2 centimeter and d2, 7.5 centimeter. then find the area of this rhombus. okay, hameka area, find out karna hai. so let's see. Yaha pe paas area of rhombus formula, hai. d1 into d2 divided by 2. okay, so yahab, d1 11.2m. और D2 7.5 सेवन पॉइंट फाइव है सो so, दोनों को पुट करेंगे डिवाइड अब इसको हमें इलेवन फॉर्म में से टेन so, 11 11 चले गए तो वहां पे बचता है वन करेक्ट सो वन इज लेस देन टू है सो so, ये जो डेसिमल पॉइंट है ना अगेंस्ट वन सो उसको हम शिफ्ट कर लेते हैं इधर क्वेश्चन में ओके सो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर दिया अब बने वहां ट्वेल्व कितने बने ट्वेल्व सो टू सिक्स कितना मिला फाइव पॉइंट सिक्स इंटू सेवन पॉइंट फाइव ओके इन दोनों का करना है हमें मल्टीप्लीकेशन देखिए दोनों डेसिमल नंबर है सो लेट्स सी पहले क्या करते हैं डेसिमल नंबर इलिमिनेट करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं मान लो 56 मल्टीप्लाई विथ 75, इन दोनों का करना है मल्टीप्लिकेशन 5 सिक्स आर 30 30 के लिए जीरो कैरी थ्री करेक्ट 5 फाइव आर 25 25 ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री ट्वेंटी करेक्ट लेट्स सी सेकंड वन डिजिट प्लस देंगे यहाँ पे और सेकंड वन डिजिट से मल्टीप्लाई करना है सेवन सिक्स आर फोर्टी 42 के लिए कितना बनेगा? बनेगा. अब इन दोनों की एडिशन लेट सी जीरो एज इट इज मिलेगा और यहाँ पे देखिए ये जो एट प्लस टू है कितना बनेगा एट प्लस टू टेन टेन के लिए जीरो कैरी कितना बनेगा वन बनेगा कैरी करेक्ट अब 9 plus 2 है कितना होता है, 11, 11 और ये कैरी वाला वन तो आ जाएगा और ये थ्री है यहाँ पे सिंगल थ्री प्लस कैरी वाला वन ऐड करेंगे तो फोर बन जाएगा करेक्ट अब देखिए फोर टू जीरो जीरो लेकिन ओरिजिनल नंबर देखिए डेसिमल नंबर है हमारे पास फाइव पॉइंट डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट फाइव दोनों नंबर में वन डिजिट बाद है. Right so, one one, बाद देंगे ओके okay, ये समझ में आपको कि डेसिमल पॉइंट दिया है सो so, कितना मिला फोर्टी मिला है करेक्ट ना और ये क्या है एरिया ऑफ रोमबस और एरिया स्क्वेयर में होता है सही है ना सो so, यहाँ पे हमें मिलेगा फोर्टी टू सेंटीमीटर ये क्या मिला एरिया ऑफ रोमबस आई होप आपको ये समझ में आया होगा एरिया कैसे फाइंड आउट करना है और एरिया ऑफ रोमबस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स डिवाइड बाय टू ओके याद रखिए लेट सी वन मोर प्रॉब्लम कैलकुलेट द एरिया ऑफ रोम्बस सेंटीमीटर एंड एट सेंटीमीटर दिस क्वेश्चन फॉर यू ओके okay? ये होमवर्क है आप कंप्लीट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए ठीक है ठीके? या पूरा लिख के नोटबुक पे आप मेरे को शेयर कर सकते हो ओके okay? आज के लिए इतना है बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब